अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये दोनों बच्चे यहाँ पे एडमिट है क्या? जी मैडम, अभी कुछ देर पहले ही एडमिट हुई है, रूम नंबर 402। 402 उनके पापा है उनके साथ, आराम से मैडम। पापा? जी हाँ, वही तो उसे यहाँ लेकर आए। आप क्या बोल रही हैं? उनके पिता नहीं, मैं ही हूँ उन बच्चों की माँ और उनके पिता। ऐसे कैसे कोई भी आकर के मेरे बच्चों का खुद को पिता बोल के चला गया? कौन है वो? हाँ मैम, उन्होंने फॉर्म भरा है, आप देख लीजिए। मिल गई फाइल, उनका नाम है निहार गोयल। ये तो चली गई। तो ठीक हो जाएगी ना अंकल? मैंने बाहर जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी हम बाहर चले गए। अंकल मैं पानी पी कर आती हूँ। लगता यही है जिन्होंने मेरे बच्चे का फॉर्म फिल किया। हे भगवान, मेरी बच्चियाँ बस ठीक हो। मैं इनसे पूछती हूँ आखिर उन्हें चोट कैसे लगी। सुनिए, थैंक यू सो मच, आप मेरी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए। आई नो इमरजेंसी में आपसे डॉक्टर ने पूछा होगा उनके रिलेटिव या पेरेंट्स का नाम, तो आपने अपना नाम लिख दिया। थैंक यू। आप मैम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो यहाँ अपनी बेबी का इलाज करा रहा हूँ। रिसेप्शन पे बोला 400। आई एम सॉरी। गरीब बच्चों में बांटने के लिए ये कपकेक्स खरीदे थे, लेकिन कोई बात नहीं, उनके लिए दोबारा ले लूँगा। फिलहाल किसी के चेहरे पर स्माइल लाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी मम्मी को कपकेक्स दे देना, फिर वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अंकल, आपके पास कपकेक्स कहाँ से आए? आज आपका बर्थडे है। अभी बताता मुझे ना अंकल, आज आपका बर्थडे है। मेरा बर्थडे तो नहीं है, लेकिन एक बहुत खास इंसान का बर्थडे है। फिर तो कपकेक लेकर नहीं गए, नाराज हो जाएगी। वो नाराज नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहते। वो मुझसे नाराज होकर कहीं दूर चले गए, इसलिए आप रख लो। थैंक यू। क्योंकि आपसे मम्मी दूर क्यों गए? आपने उन्हें दुख पहुंचाया था क्या? अंकल, मेरी मम्मी कहती है दिल से सॉरी बोलो तो दिल तक पहुंच ही जाता है, और वो इंसान हमें माफ भी कर देता है। बहुत प्यारी बातें करती है आपकी मम्मी। क्योंकि वो खुद बहुत प्यारी है, दुनिया की बेस्ट मम्मी है। अच्छा, मम्मी Oh,
आई लव यू रुचिता, आई लव यू। बच्चा मेरा बेटा भाई का है। तुम्हारे और उस बच्चे के फ्यूचर के लिए तुम्हारा जाना ही बेहतर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा निहार जी। लेकिन ये सैक्रिफाइस मैंने अपने भाई भाभी के लिए किया, जिसमें मेरा साथ देना तुम्हारी मजबूरी नहीं। तुम क्या करना चाहती हो यह फैसला तुम्हारा होगा। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा रुचिता। तो रुचिता ने अपना फैसला ले लिया, वो मुझे छोड़कर चली गई। आपको देखकर किसी की याद आ गई। मम्मी सॉरी। मम्मी वो जुई डॉक्टर के पास है। ये अंकल तुरंत जुई को हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल वाले अंकल जुई का इलाज नहीं कर रहे थे तो ये अंकल हमारे पापा बन गए। और डॉक्टर ने जुई को अंदर ले लिया। मतलब निहार जी ने ही पापा बनकर साइन किया था। जुई कैसी है? She is absolutely fine. हाथ और सर पे थोड़ी सी चोट है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि वो शॉक लगने की वजह से बेहोश हुई है। Thank God. देखिए जुई थोड़ी डरी हुई है तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ को उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप दोनों उससे मिल सकते हैं, मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देता हूं। थैंक यू। देखिए मन सुंदर रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।